मुखमान सरदार बहुत सिंह राजपूत साहब बेटा ताले नाल भी उन्होंने विनती करता कि मस्ती आ गई तो सारे नाल कोई काम साहब खाली कर मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े भरा चेयरमैन साहब भाई नरेंद्र जी, मेरे छोटे वीर चेयरमैन साहब भाई सुरजिंदर सोनी जी और मेरे नगर के प्यारे बच्चे स्कूल के अध्यापक साहबान, मेरिया भैन टीचर साहबान और मैं समझदा कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत और मेरे नगर से जिन्हों का बहुत ज्यादा आसान है असं उन्हों का देना नहीं दे सकते। मौंगा साहब जी मेरे को शब्द नहीं कि उन्होंने मैं कि शब्दों का वडियाई करा और उस तो भी वह मैं खुशी हुई कि उन्होंने आपके कार्यकाल जो उन्होंने रिटायरमेंट नेड़े आ गई सी उन्होंने 2 साल का वादा लिया। मैं समझा कि मेरे पिंड चंगा समा होगा, 2 साल का वादा मेरे पिंड उन्होंने रहेगा और उन्होंने कार्यकाल अंदर मेरा नगर जो स्कूलों चो बुनियाद हुआ करती है समाज की वो तरक्की करेगा और मैं ज्यादा ना बोलद उन्होंने सारे बच्चों जिन्होंने लीड की है जिन्होंने पोजिशन हासिल की उन्होंने सारे बधाई देना है और मैं धन्यवाद करना है कि तुसी मेरा मान किया और हमेशा आपके नगर का खिलाड़ी रहे हैं। कदे आपके नगर का ना बोलना मैं एक प्यो रहा है और मैं मेरे इन्हें सोरे छोटे और वे भरावान के चेयरमैन साहब उन्होंने माण है कि उन्होंने नाम कौमी का ना लगता है और मैं उम्मीद करता है कि भविख च तुम पहुंच के चाहे वह राजनीति च हो प्रशासनिक हो कौमी का ना सोरे नाम ना लगे तो बहुत वही गल होगी। बहुत धन्यवाद वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी। इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं तो मेरी गल है सुरेंद्र कौल जी चेयरमैन जिला योजना बोर्ड श्री मुक्तसर साहब वो तो अगला विचार करनी है। हाजरीन मेरे बहुत ही सत्कार के योग मेरे नगर के और साडे आदर्श जिन्हां नाल असीं खेडदे रहे जिन्हां तों असीं सिखदे रहे जिन्हां दे नाल समां काफी इकट्ठा बिताया चेयरमैन नरेंद्र सिंह जी कौणी मेरे चाचा जी सरदार पाल सिंह जी बार साहब सरपंच कौणी इस संस्था के मुखी इस संस्था लीड करने वाले इस संस्था की अगवाई करने वाले मौंगा साहब समूह स्टाफ के अध्यापक साहबान मेरे नगर के बहुत ही सूझवान और मेहनती लोग जिन्हां दे बच्चे स्कूल दे विच पढ़दे ने और मेरे नगर दे बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत फुल्लां वर्गे चेहरे प्यारे प्यारे बच्चे मैं तुहानूं सब तों पहलां सत श्री अकाल बुलाउणा है तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैनूं याद है जदों असीं इस स्कूल दे विच पढ़दे सी जो कोई समागम होना साडे नगर की पंचायत ने मोहतवार बंदिया ने बड़े बड़िया शख्सियत ने स्कूल दे विच आउणा और मैं वो वक्त याद है जब सरदार जोगिंदर सिंह जी डीपी जिवें अज बैठ ते आ रहा उदो डग्गा हुंदा सी डग्गे ते ड्यूटी असी बड़ी चाल नाल बड़ी खुशी नाल डग्गे ते ड्यूटी लगाउंदे सी और जिवें मौंगा साहब
समूह स्टाफ बहुत मेहनती है इतने तो साडे समयां दे सरदार बलवंत सिंह हरी सुखमंदर सिंह हरी और इतने इस रूह दे विच बैठे सरदार कुलविंदर सिंह जी इन्हां दी बड़ी साडे नाल प्रेम और मुहब्बत होंदी सी बच्चों के नाल और शायद असीं वो चीज आपके माँ प्यो को नहीं मंग सकते थे जो असीं आपके अध्यापकों को बड़े हक के नाल मंगया करते साडे नगर की खुशकिस्मती रही है कि जिन्ना जिन्ना स्टाफ पहला इतने आया है वो सारे ही बड़े मेहनती रहे हैं और हम जरा सरदार मंगा सिंह की मेहनत है वो मैं समझा कल कौनी के नहीं कल मुक्तसर जिले के नहीं पूरे पंजाब के मंगा साहब का ना लोगे तो वो कोई यह जहा इंसान नहीं होना जो इन्हों जानता ना होगा खास तौर पर मेहनती इंसान जिन्होंने एजुकेशन जिन्होंने स्कूलों दिल्डिंगों बहुत सुंदर और तारीफ जिन्हों की करनी बनती है शानदार बिल्डिंग बनाई है जिन्हों के बाई गुरप्रीत हरी बाई मनप्रीत हरी जेडे कि मौंगा साहब के टीम के सहयोगी ने तो कई स्कूल जो मैंने मन कर रहे स्कूलों में जाइए तो साढ़े कमरे की लड़ है तो जो इन्होंने गल करी है तो कहते भाई इन्होंने तो लिख के दिता है भी साढ़े स्कूल किसी चीज की कोई घाट नहीं तो उदो लगता है कि मौंगा साहब ने किसी स्कूल मतलब कोई कमी छी नहीं किसी कोई कमरा पैरवा छा ही नहीं तो मैं जिथे सारी टीम का धन्यवाद करता है मौंगा साहब वालों का मनदीप भाई वालों का गुरप्रीत भाई वालों का समूह स्टाफ का जिन्हों की मेहनत के नाल साडे बच्चों ने जो प्राइज हासिल किए है मैं सारे बच्चों मुबारकबाद दिता होया इन्हों के सुनहरी भविख की कामना करता होया परमात्मा अगे अरदास करता कि साडे इन्हां बच्चों की जिंदगी दे विच हमेशा झोली खुशियां नाल भरी रखी इन्हां दे मां बाप की इन्हां दे भैन भरावां की इन्हां दे ताए चाचियां की जिहड़ी सुख मेह है जिहड़ी खुशी है वह परमात्मा हमेशा ताडे सिर ते ताडे परिवारां दे सिर ते हक बनाई रखे और मैं एक परमात्मा अगे अरदास करदा कि जिहड़े देश दे निर्माता ने जेड़े टीचर ने उन्होंने भी इन्ना बल बख्शी कि हमेशा इन्हों के नाल मां प्यो की तरह हमेशा इन्हों के नाल दोस्तों की तरह विचरन का बल बख्शे और मैं अपने वालों सारे स्टाफ का प्रिंसीपल साहब का सारे साडे पिंड के नगर के पतवार के सजनों का धन्यवाद करता जिन्होंने इतने बुला के बड़ा माण सत्कार दिता क्योंकि पुराने स्टूडेंट होने करके साड़िया इतने बहुत ज्यादा जुड़िया है मैं सारे स्टाफ का एक बार फिर धन्यवाद करता और जिन्हों बच्चों प्राइज मिले है उन्होंने सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद मेहरबानी साढ़े बहुत ही सत्कार जो साढ़े वड्डे भी वरिंदर सिंह कौनी जी चेयरमैन जिला प्रशासन श्री मुक्तसर साहब उन्होंने बेनती करना है कि वो ही अपने विचार जोड़े है वो बच्चों ने साझे कर वरिंदर कौनी जी स्टेज पर विराजमान मेरे छोटे भरा सरजिंदर सिंह जी कौनी चेयरमैन जिला योजना बोर्ड श्री मुक्तसर साहब और मेरे छोटे भरा इस नगर के सरपंच भाई पाल जी धालीवाल साहब इस स्कूल के मुखी मेरे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल मौंगा साहब मेरे छोटे भरा
मनीष जी एमसी साहिबान और समूह स्टाफ से मैं सारे का नाम लैन तक जमाता बड़ा समा लग जाएगा। इधर बैठे हुए मेरे नगर के बहुत ही पतवंत सज्जन सामने मेरिया माता भैन बैठिया प्यारे बच्चे सब तो पहला सारे प्यार करी सत श्रीकाल बुला मुबारकबाद देना अज दे शुभ दिहाड़े से सानू सारा दिन लोगों ने भी जान का मौका मिलता है। सारे जिले मैनू जान का मौका मिलया पर अजिहे जिहड़े प्रोग्राम है अजे फंक्शन है ये बहुत घट गिणवे चुनवे स्कूलों जो कंपीटीशन मौंगा साहब करा रहे हैं मैं समझदा इहदी बहुत जरूरत है। इहदे नाल विद्यार्थियों के एक दूजे तो अगे लंघन वास्ते मेहनत कश बन जाते हैं स्टूडेंट। इस गल की मौंगा साहब नूं मुबारकबाद दिंदा सारे स्टाफ नूं इस गल की मुबारकबाद दिंदा। मौंगा साहब तुहाडा और तुहाडे सारे स्टाफ का असीं और साडा नगर कदे दे नहीं दे सकते। मैं इस गल का तुहाडा धन्नवाद भी करदा तुसीं आपदा 2 साल का जो वादा लिया इस गल की मैं तुहाडा सारे नगर वालों सारे पतवंत सज्जनां वालों तुहाडा धन्नवाद करदा। तुसीं 2 साल होर साडे स्कूल की साडे नगर की सदे ढंग नाल सेवा करके जाओगे इस गल का मैं धन्नवाद करदा। असी भी मैं ते भाई पाल ने और साडी पंचायत ने जदों सरकार सी असी भी इस नगर नू और खास करके एक अल्ला स्कूल सीनियर सैकेंडरी स्कूल ने जिन्हें भी स्कूल ने 3 सरकारी स्कूल होर ने उन्होंने जो तरक्की वास्ते कोई कसर नहीं छी। मनीष जी मौंगा साहब इतने कोई ना कोई चीज विखाने वास्ते सानू बहाने ना सद लेंदे सी पर असी इन्हां दे काम तो खुश हो गए इन्हां नू कुछ ना कुछ ऐलान किए बिना मैं कदे नहीं गया सी। और मैं धन्नवाद करता सरपंच साहब का साडी समुची पंचायत का मैं जिन्हें भी पैसे एज ए जिला परिषद का चेयरमैन होने के नाते मेरे को बहुत वड्डी ग्रांट आउंदी सी मैं लगभग 700-800 करोड़ रुपया आपके 4 साल के कार्यकाल के सारे जिले कर चुका है। हुण भी आ सरकार ने थोड़ा जिहा पंचायतां भी 4-5 महीने पहला भंग हो गई और 40-45 दिन मेरे भी रहिंदे सी मेरे को 7-8 करोड़ रुपया होर पिया सी मैं होर तुहानूं गप्पा दे देना सी। मैं पिंड नूं तां 47 लाख रुपया एक हफ्ता पहला पंचायत नूं दे चुका है। मैनूं लगता है उहदे नाल कोई भी गली कोई भी काम साडा स्टेडियम का काम चल रहा है उहदे वास्ते भी आपदे निजी कोटे चों मैं 5 लाख रुपया दिता है। और होर भी मैं मौंगा साहब नूं समुचे स्टाफ नूं मैं विश्वास दिवाउणा हुण भी जिथे साडी जरूरत पवेगी भावें असी आपके निजी कोटे चो आपके जेब खर्च कानून देकर जो भी हुक्म करोंगे ये स्कूल वास्ते ये बच्चों की पढ़ाई वास्ते हमेशा तुहाडे आसे मैं और मेरे सारे जिहड़े साथी है साडी पंचायत हमेशा हाजिर रहांगे। इस मौके पर मैं सारे विद्यार्थियों जिन्हां ने अज ये इनाम प्राप्त किए ने उन्होंने मुबारकबाद दिंदा होगा एक बार फिर समुचे स्टाफ नूं अज के शुभ दिहाड़े पर मुबारकबाद दिंदा होया और सारिआं नूं हाथ जोड़ के बेनती करता है परमात्मा अगे भी अरदास करता है कि सजे परमात्मा इन्हां सारिआं नूं होर मेहनत करन दा और होर साडे स्कूल नूं और नगर नूं तरक्की वाले पासे लिजाउण दा बल ते बुद्धी बख्शी। इन्हां कहिंदा होया एक बार फिर सारे टीचर साहिबानां दा सारे पतवंते सज्जनां दा सारे विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हुआ फतेह अर्ज करता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।